यहूद ने भी छुपाया, लेकिन इस उम्मत को बताया गया तुमने वैसा नहीं करना है, पहुंचाओ। बल्लिगानी वालों आया, एक आयत ही सही पहुंचाओ। आज कितने मुसलमान हैं जो कुरान की तालीमात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, कितने हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले तो छोड़िए, कितने लोग हैं कि अगर उनको कहा जाए आइए ज़रा इमामत कीजिए, नमाज आती है लेकिन कहा ज़रा इमाम बन जाइए, बोले नहीं, क्यों, कुरान सही नहीं है। अच्छा, आपका कुरान सही नहीं है, आपका कुरान सही नहीं है, आप कैसे सही हैं, आपका कुरान सही नहीं तो आप सही नहीं है। आपने ज़िंदगी में अपना घर सही किया है, अपनी जूतियाँ सही की हैं, अपने कपड़े सही किए हैं, अपनी दुकान सही की, आपने अपना कुरान सही नहीं किया, आपने क्या किया अब तक, आपने अब तक किया क्या, कितने साल से सही हो रहा है आपका कुरान, अभी बस 60 साल हुए हैं अभी तक आपका कुरान सही नहीं हुआ, ये कौन सा कुरान है आपका, आपके बच्चों का सही हो गया आपका नहीं हो गया, क्यों ध्यान नहीं दिया इसमें, आपने किस चीज पर, जूती टूट, बटन टूट गया कमीज का, फौरन ऑफिस जाना है भाई, दिखाई दिया बटन टांग लगाते हो, अरे बीवी से पूछा सही नहीं किया इसको, दूसरा पहन लो, नहीं अभी सही करो इसको, ये पहन के जाना है बाहर, वलीमे में जाना है, ऑफिस जाना है, साहब से मिलने जाना है, बटन टूट जाए फौरन सही कर लेता है, बटन टूटा हुआ उसको नहीं चलता है, कपड़े प्रेस करना चाहिए थोड़ा भी नहीं, सब सही होना चाहिए साहब का, कुरान सही नहीं, कितने लोग हैं। सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा अगर पढ़ के सुनाओ बोलेंगे तो उस आदमी को पसीना आ जाएगा, क्यों, सही नहीं, इस लायक नहीं है कि जो बंदे को सुनाया जा सकता है और अल्लाह को सुना रहा है, बंदे को नहीं सुना सकता है, शर्मा रहा है, मेरी इज्जत उतर जाएगी अगर उसको सुनाऊंगा तो, क्यों, बहुत गलतियां हैं और तू अल्लाह को सुना रहा है, अल्लाह का अल्लाह को सुना रहा बिगाड़ के, अल्लाह का कलाम अल्लाह को सुना रहा है और ढंग से पढ़ रहा नहीं उसके सामने, बंदे के सामने शर्म आती, अल्लाह के सामने शर्म नहीं आती है, कितने मुसलमान एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। अब बताए जिसको अपने बारे में एहसास हुआ औलाद के बारे में क्या फिक्र करेगा, और बाद वक्त उल्टा भी हो जाता है, औलाद के बारे में तो फिक्र होती है लेकिन अपने बारे में फिक्र नहीं होती है, ऐसा भी होता है। तो आप बताइए कि जब कुरान के साथ ये सलूक होगा, पूछेंगे कि फिर हमारे साथ क्या सलूक होगा, जो कौम कुरान के साथ अल्लाह की किताब के साथ ये सलूक करे कि ईमान और फहम और वो सारे मामला तो दूर, पढ़ भी नहीं सकती उसको सही, आप बताइए उस कौम कहाँ तरक्की करेगी, कहाँ अल्लाह की मदद आएगी, वो तो पढ़ अल्लाह की किताब को सिर्फ पढ़ती भी नहीं है, और उसका फहम उसके फहम के एतबार से कोसों दूर कि उसमें क्या लिखा हुआ है नहीं मालूम,